बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरहास किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होगी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरा हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। और मैंने कही है हर ईद पे डिफरेंट डिशेज हो और मीठा ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ वो ट्रेडिशनल मीठा शेयर करूंगी कि झटपट से आपके अगर घर में मेहमान आए, आप अपने घर में से ही वही इंग्रेडिएंट निकालेंगे और जल्दी से ही आप मीठा रेडी कर लेंगे, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं। तो जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जर्दे की रेसिपी है। तो ईद है तो मैंने कहा ये ऐसी रेसिपी है कि झटपट से आप अपने घर से ही सारा सामान निकालेंगे और झटपट सा ये जर्दा रेडी कर लेंगे। ये अमूमन हर किसी को पसंद होता है और ये हमारे रवायती मीठों में भी शामिल है। तो जो मुझे इसके लिए इंग्रीडियंट चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक प्याली मैंने चावल लिए, और अगर आप एक प्याली चावल लेंगे तो आप एक प्याली ही चीनी लेंगे। तो मैंने एक प्याली चावल दी और एक प्याली मैंने चीनी ले ली। साथ में मैंने लिए ये चार इलायची ली, और मैंने लिया एक कप मैंने दूध लिया, हस्बे ज़रूरत मैंने लिया जर्दा रंग, और मैंने हाफ कप मैंने ली ताज़े दूध की बलाई। ये मैंने आपके जो दूध पे भलाई आती है वो ली है, ये डालिएगा बहुत ही मज़े का आपका जर्दा रेडी होगा। साथ में मैंने 4 टेबल स्पून मैंने लिया है देसी घी, आप बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल मत डालिएगा, ऑयल से टेस्ट बहुत अजीब हो जाएगा। तो साथ में आप जितने आप बादाम आपको पसंद है जितने आप डालना चाहें उतने ही आप बादाम। ऊपर से मैंने इनके छिलकों को पील कर लिया है, बॉयल किया तो ईजीली पील हो सकते हैं। तो ये मैंने बादाम लिए। अब मैं सबसे पहले अपने चावलों को बॉईल कर लूँगी। चलें अब अपने चावल को मैं बॉईल करती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं सबसे पहले मैं चावलों को बॉईल करूँगी। पानी में बॉईल आ रहे हैं तो इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। आप इसमें सिर्फ ये आप डालेंगे, एक चुटकी नमक डालेंगे आप इसमें। तो ये जर्दे में लाजमी जाता है, ये आप देख रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला। अब मैं इसमें जर्दा रंग ऐड करूंगी, पानी में जर्दा रंग ऐड करूंगी। ये आप देख रहे हैं जर्दा रंग ऐड करूंगी, और अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। ये चावल का जो पानी है वो मैं एक्स्ट्रा ड्रेन कर दूंगी, और अब आप ये देख रहे हैं ड्रेन कर दिया मैंने एक्स्ट्रा पानी, और ये जो सारे चावल हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी। और आपने बस एक कनी रखनी है, आपने चावलों को ज़्यादा बॉयल नहीं करना। जिस तरह से आप बॉयल चावल पकाते हैं उसे दम लगाते हैं, तो आपने रखना ये ना हो कि आपके चावल ज़्यादा गल जाएं। तो जी इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट मैं इसके साथ क्या करूँगी। चावलों को एक कनी रख के मैंने बॉईल कर लिया था, वो बॉईल हो गए थे और मैंने उन्हें स्ट्रेन कर लिया। तो अब मैं अपने चावल रेडी करूंगी। तो मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने ये 4 टेबल स्पून मैं उसमें ये घी ऐड करूंगी। मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें ये जो मेरी इलायची है, इलायची ये मैं ऐड करूँगी। 4 इलायची हैं, इन्हें अच्छा हल्का सा मैं हिलाऊंगी, और फिर नेक्स्ट में इसमें जो डालना है वो मैं डालूंगी। ये आप देख रहे हैं इसका मैं आगे से मैंने मुंह से इन्हें खोल के, और ये देखें। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो बलाई है, ये मैं ऐड कर दूंगी। ये दूध ऐड करूंगी, और ये आप देख रहे हैं ये मैं इसे हिलाऊंगी।
इसमें मैं हिलाती जाऊंगी। जब आप का घी को अच्छा से जोश आया होगा तो आप जिस तरह मैंने ध्यान से चीज़ें डाली उस तरह से डालिएगा, ये ना हो कि उड़ के ही आपके ऊपर आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं मैंने हाफ कप मैंने इसमें बलाई ऐड की है। बलाई ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 कप दूध ऐड किया है। ये आप देख रहे हैं इसमें ये बॉयल आ रहा है और अब मैं इसमें ये चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। तो ये अच्छी तरह से जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो ये सिरप बन जाएगा। ये आपकी बलाई से बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा इसमें फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का ये ज़रदा रेडी होगा। तो ज़रूर ही थी इस ईद पे आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये आप देख रहे हैं मैं इसे हिलाती जा रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने चीनी ऐड की है। या अब आप देख रहे हैं ये इसका कैरेमल बन गया है। ज़्यादा इसमें पानी आपने ड्राई करना है। अगर आपका पानी ज़्यादा होगा, अगर आप चावल ऐड कर देंगे तो आपके चावल बहुत ही सौगी सौगी से और बहुत ही नरम नरम से हो जाएंगे। तो मज़े के चावल बिल्कुल भी नहीं है, नरम से बनेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो आपका शीरा बन जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने चावल। क्या आप देख रहे हैं चावल मैंने स्ट्रेन किए थे और ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। आप देख रहे हैं मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बहुत ही मज़े का ये ज़रदा और बहुत ही अच्छी सी महक आ रही है क्योंकि इसमें देसी घी है। तो देसी घी से तो ये बहुत ही मज़े के रेडी होते हैं। और अब मैं इसमें बादाम ऐड करूँगी। अब मैं इसमें बादाम डालने के बाद अब मैं इसको दम लगाऊंगी। दम लगाने के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। ज़रदा मेरा रेडी है और अब मैं ये कवर उठाऊंगी और देखें कितना अच्छा सा ये रेडी हो चुका है। ये आप देख रहे हैं कितना अलग अलग है। तो मैं इसे हिलाऊंगी और ये देखें कितना ही अच्छा बना है। और आप जितना इसमें आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आप डालें। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो डाला है। आप इसमें काजू ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें जो अशरफियाँ होती हैं वो ऐड कर सकते हैं और बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये बना है ये बहुत ही मज़े का बना है क्योंकि मैंने इसे देसी घी में बनाया है। तो ज़रूर आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। फाइनली ज़रदा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही इजी और क्विक ये ज़रदा है। ये सारे इंग्रेडिएंट आपके घर पे अवेलेबल होते हैं तो जल्दी से अपने घर से निकालिएगा और ये इस ईद पे से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाला मेरा हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। और आज की अच्छी बात, दूसरों के दर्द मिटाए ताकि अल्लाह आपके दर्द मिटाए। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।